हेलो एवरीवन, दिस इज नीरज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन स्क्वायर ब्लॉग्स। जैसे कि आप लोग मुझे काफी पहले से देख रहे हो, आप सभी को पता भी होगा कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ मोस्ट ऑफ मेरे मोबाइल से ही बनाता हूँ, और आपको वीडियो क्वालिटी भी समझ में आती होगी मेरे वीडियोस को देख के। काफी टाइम हो गया है यूट्यूब पे और मोबाइल से वीडियो बनाते हुए, तो सोचा क्यों ना एक DSLR बाय कर लूं और जो मेरी ऑडियंस है उसको जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी और अच्छी दिखे या और अच्छी मिले। इसलिए मैंने बाय किया है एक DSLR कैमरा, जो कि मैंने बाय किया था फ्लिपकार्ट से ऑफर के टाइम पे, और मुझे जो ये पड़ा है वो 36,000 का पड़ा है ये कैमरा। ऑफर थे तो अच्छे प्राइस में मिल गया। आपके सामने आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा मेरे इस कैमरे के बारे में, और मैं आपको बता दूं कि मैंने बाय किया है कैनन 200D। कैसा ना, मैंने ये कैमरा लेने के पहले काफी यूट्यूब पे वीडियोस देखे कि कौन सा कैमरा लेना बेटर है बजट में। अभी अपना पॉकेट कैसा है, ज्यादा पैसे है नहीं पॉकेट में, लिमिटेड पैसे है, तो सोचा क्यों ना एक बजट में कैमरा ले लूं और उससे वीडियोस बनाओ और मेरी जो वीडियो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाए। और एक चीज बताओ कि मैंने अकेले ने नहीं बाय किया है, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरे ब्रदर का, उसने हाफ पे किया और हाफ मैंने पे किया, तो जाके हमने ये कैमरा बाय किया है। होप करता हूँ कि अब मैं आप लोगों को जो वीडियो दूंगा उसकी क्वालिटी पहले से काफी अच्छी होगी। तो चलो फिर इसको फटाफट अनबॉक्स करते हैं और आपको बताता हूँ कि इस बॉक्स में क्या क्या स्टफ्स आए हैं। तो चलो फिर अनबॉक्स करते हैं। तो इतनी चीजें बॉक्स में आती है। अब मैं आपको ओवरव्यू दूंगा इस कैमरे का कि इस कैमरे में क्या क्या चीजें दी गई है, क्या क्या बटन्स दिए गए हैं और कैसे इसको ऑन ऑफ और वीडियो मोड में करेंगे। ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे भी ज्यादा डीप में नहीं पता है, मैंने DSLR यूज नहीं किया है, ज्यादा बेसिक चीजें मालूम है वही चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको फुल डेप्थ में अगर चीजें देखनी है तो आपको यूट्यूब पे और वीडियोज मिल जाएंगे, उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। तो कुछ ऐसा है मेरा कैनन 200D। ये आपका यहाँ पे फिट होता है लेंस, तो आप यहाँ पे लेंस फिट करें तो आपका कैमरा रेडी हो जाएगा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। ऊपर के पार्ट में आपको कुछ बटन दिखते हैं, ये बटन का यूज है आपका फोटोज क्लिक करने के लिए। ये ISO का बटन है, अगर आप लाइट कंडीशन आपकी जैसी हो उसके हिसाब से आप ISO सेट कर सकते हो ब्राइटनेस के लिए। एक स्क्रोल बटन है, इसमें आपको ऑटो फोकस दिया है, जिसको आप अगर सिलेक्ट करते हो तो आपका जो ये फ्लैश लाइट है जब भी आप फोटो क्लिक करोगे ना आपका ये फ्लैश लाइट पॉपअप हो जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन है वो बिना फ्लैश लाइट का है, अगर आपको नेचुरल लाइट कंडीशन में आपको वीडियोस बनानी है और फोटोज लेनी है तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको PTV AVM, AV का मालूम है अपर्चर होता है, M मतलब मैनुअल, पी और टीवी का नहीं मालूम है। इसके बाजू में एक बटन और दिया है जिससे आपका जो कैमरा है ऑन ऑफ
और वीडियो मोड में आप सेट कर सकते हो। अगर आप ऑन करते हैं तो आपका ये इमेज मोड पे आ जाएगा जहां से आप फोटोज क्लिक कर सकते हो। फिर आप जब इस वीडियो मोड पे जाते हैं तो आप वीडियोस बना सकते हो। काफी लोगों को वीडियो रिकॉर्ड कैसे करना है DSLR से नहीं पता होता, तो आपको अगर वीडियोस बनाना है अपने DSLR से तो आप सिलेक्ट करो वीडियो मोड को और यहाँ पे एक बटन दिया है, आप ये सब प्रेस करें ना तो आपका वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका स्टॉप करना है तो अगेन इस बटन को दबाओगे तो आपका वीडियो जो है ऑफ हो जाएगा। देन यहाँ पे दो बटन दिया है इन्फो, इन्फो पे आप अगर प्रेस करें तो आपको जो डिस्प्ले पे इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी दिखने लगती है। यहाँ पे है मेनू, मेनू में जाके आप सेटिंग्स चेक कर सकते हो आपको कैसी आपकी कैमरा की सेटिंग चाहिए। और ये है हमारा डिस्प्ले, टच डिस्प्ले है, बहुत अच्छा है ये चीज। और ये आपका जो है फ्लिप होता है 180 तक, आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। फिर ये आपका प्ले बटन, अगर आपको इमेजेस आपने जो क्लिक किए या वीडियो जो आपने क्लिक की है वो देखना है तो इसको क्लिक कीजिए, आपको दिख जाएगा। फिर उसके बाद आता है डिलीट का बटन, आपको जो चीज नहीं पसंद उसको डिलीट कर दो। ये साइड में आपको दो होल मिलते हैं, एक है माइक के लिए और दूसरा किस लिए नहीं पता। यहाँ पे आप अपने माइक के जैक को इंसर्ट करके आपका माइक कनेक्ट हो जाएगा। और ये साइड में आपको मिल जाता है HDMI पोर्ट, आप इसको HDMI पोर्ट केबल से भी कनेक्ट कर सकते हो अपने टीवी लैपटॉप से भी। यहाँ पे आप अपना जो माइक है वो आप प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे फिट कर सकते हो। और ये जो पार्ट दिख रहा है ये आपका फ्लैश लाइट है। और अगर मैं कैमरे के नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है बैटरी और मेमोरी कार्ड का स्लॉट, तो इसमें आपका बैटरी और मेमोरी कार्ड आता है। और इसके बाद जो मैं एक माउंट ऑप्शन दिया है, आप अपने कैमरे को किसी भी ट्राइपॉड पे प्लेस कर सकते हो और इसको आप अपने ट्राइपॉड पे यूज कर सकते हो। तो बस यही सब दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दो बटन दिए, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका ये फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगा, और अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका जो लेंस आपका कनेक्ट होता है ना वो निकालने के लिए इस बटन को यूज किया जाता है। कैनन का जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छा है। यहाँ पे ये थोड़ा सा रफ है ताकि आप इसको होल्ड कर सको वैसे, और ये आपके हाथ से स्लिप ना हो। चलो फिर कनेक्ट करते हैं इन दोनों को। देखो यहाँ पे एक व्हाइट डॉट है और इस पे एक व्हाइट डॉट है, तो डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और हमारा कैमरा चालू हो जाएगा। ये यहाँ पे दोनों व्हाइट डॉट को कनेक्ट किया और इसको ऐसे घुमाया और ये हमारा लेंस कनेक्ट हो गया हमारे कैमरा के बॉडी से। और अगर आपको इसको निकालना है तो इस बटन को दबाइए और इसको इसी डायरेक्शन में घुमाइए। तो बस यही सब चीजें थी इस कैमरे में। और अब मुझे भी टाइम लग गया थोड़ा इसको सीखने में, क्योंकि मुझे पूरा नॉलेज नहीं है DSLR का। बोलते हैं ना मैं बिगिनर हूँ DSLR यूजर में, मैंने कभी DSLR यूज नहीं किया है। अब मैं इसको धीरे धीरे यूज करूंगा और धीरे धीरे इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो सीखूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, होप करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दे देना, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाना, वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको हिट करो और उसके बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना मत भूलना गाइस, नहीं तो आपको मेरी वीडियोस नोटिफाई नहीं होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय।